ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अभी देखो कैट में कुछ चीजें हम करते हैं और एनिमल स्नैप में कुछ कुछ चीजें वो नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम कैट पर्सपेक्टिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एक डिफिकल्ट सा पेपर है जिसको हमें एक अटेम्प्ट देना। ओवर द टाइम रियलाइज होता है कि वो डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सो पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होता। मैं अटेम्प्ट्स तुम लोगों को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो, तुम्हारे अटेम्प्ट्स में अगर एक्यूरेसी बैठ गई, जो जनरली 50-60% होता है, लक थोड़ा बहुत चल गया 70%, जितना भी हो गया तो तुम्हारा परसेंटाइल आ सकता है। सो मैं अंडे अंडे सुनने पूरे तुक्के मारा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि कुछ किया है और तुम कॉन्फिडेंट हो के इस पे, इतने क्वेश्चन तो राइट हो गए, चाहे फिर वो क्वांट में हो, एलआरडीआई में हो या वर्बल में हो, तो थोड़ा सा होप्स अभी भी रखना। और एट द एंड जो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कैट इज द फर्स्ट एग्जाम, इसलिए जनरली उसमें थोड़ा डर ज्यादा रहता है। अब तुमने सबसे कड़वा पानी टेस्ट किया है तो आगे की चीजें तुम्हें मीठी लगेंगी, ठीक है। लेकिन पढ़ना अभी भी बंद नहीं करना, पढ़ना अभी भी कंटिन्यू रखो, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाना। क्या एनमैट है, स्नैप है, कुछ कुछ लोग जैट दे रहे हैं, फिर सीमैट आएगा, फिर लास्ट में सीटी भी आएगा। तो कॉलेजेस तो अभी भी अच्छे कॉलेजेस अभी भी एंट्रेंसेस में बचे हुए हैं, ठीक है। सो तुम्हारे होप्स अभी खत्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। घर पे तुमने जो रोना धोना किया होगा, आई होप हो गया होगा वो पूरा। बॉयज तो जनरली नहीं रोते, लड़कियां हर साल 10-12 तो रोती है, तो जो रोना धोना होगा आई होप वो कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे जो है, पहले तो हम डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, बट इवन बिफोर वी स्टार्ट विद एनमैक्स ना, आगे कैट का पिक्चर में तुम लोगों को बताओ। तो कैट एज एन एंट्रेंस तो हो गया, अब क्या होगा, तुम लोगों का एक रिस्पॉन्स शीट करके बाहर आएगा। मतलब तुमने क्या आंसर्स मार्क किए, जैसे मॉक्स में करते हो ना, करेक्ट आंसर क्या है और तुमने क्या मार्क किया, तो उसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया गया होगा, उसमें सिर्फ ये दिया गया होगा कि तुमने क्या मार्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो फोर्थ तुमने अटेम्प्ट किया है, डी ऑप्शन तुमने मार्क किया है, तो डी पे टिक करके आए। तो पूरा पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में कैट के वेबसाइट पे ही आएगा, ठीक है। और तुमने कितने झंडे गाड़े हैं वो उसमें रिस्पॉन्स शीट में दिखेगा। अब तुम्हें क्या करना है, उसके आंसर्स फटाफट कोई ना कोई बाहर तो निकाल ही देगा, क्योंकि पेपर अगर कैट का बाहर आया है तो गूगल में तुम्हें कोई ना कोई किसी ना किसी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे न्याने सर भी ट्राई करेंगे जितने जल्दी हो सके आंसर्स निकाल के तुम्हें दे दे, आंसर कीज, सॉल्यूशन आंसर कीज। तो उसमें अगर तुम्हारे डाउट है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करना, एज ऑफ नाउ सिर्फ चेक करना कितने राइट हो रहे हैं, कितने मार्क्स हो रहे हैं, और न्याने सर ने जो कैट एनालिसिस डाला है उसके हिसाब से तुम वहां पे फिट हो, ठीक है। तो वहां पे भी एक तुम्हें फाइनल पिक्चर पता चल जाएगा कि कहाँ तक पहुंच सकते हैं, एक आइडिया आएगा। उसके बाद फाइनली रिजल्ट जो है तुम्हारा सीधा जनवरी में आएगा, फर्स्ट वीक पकड़ के चलो, ठीक है। तो कुछ कुछ फॉर्म्स जो है, अगर तुम लोगों ने कुछ, तुम में से काफी गिने चुने लोगों का मैंने 1-to-1 लिया होगा, हार्डली 7-8 लोगों का, तो बाकी लोगों का आप धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो 1-to-1 के लिए मेरे को मैसेज डाल लो जिनका बचा हुआ है, अपन शुरू करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, कैट के हिसाब से तो उतना ही है और कुछ है नहीं। अब आता है एनमैट स्नैप में। जैसे मैंने कहा कि प्रिपरेशन तुम्हें रोकना नहीं है, ये इसलिए क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम है, थोड़ी सी चीजें बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल एनमैट में ज्योमेट्री नहीं है, एनमैट में डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लॉगरिदम शायद नहीं दिखेगा, तुम्हें फंक्शंस शायद नहीं दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री शायद नहीं दिखेगा। तो जितना भी डिफिकल्ट वाला पार्ट तुम्हारे दिमाग में होगा ना, वो नहीं है, ठीक है। इसलिए उसका जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा तुम्हें लाने होगा। जैसे यहाँ पे शायद 90-99 पे तुम्हें अच्छा खासा परसेंटेज मिल जाएगा, वहां पे तुम्हें सीधा 220-230 लाना पड़ेगा। मॉक्स में, अब ये भी ध्यान से सुन लो, मॉक्स में मेरे एक्सपेक्टेशन तुमसे क्या है, अगर मॉक्स में तुम्हारा 180 प्लस स्कोर आता है, मॉक एनमैट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉक एनमैट में, अपने मॉक एनमैट में अगर 180 प्लस आता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 230 प्लस इन एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। 50 मार्क का सीधा सीधा डिफरेंस है। तो तुम्हारा टारगेट एटलीस्ट 150 तो होना ही चाहिए,
150 प्लस तो मेरे को मॉक्स में ला, ठीक है, जिनका थ्री डिजिट में नहीं आया, जिन्होंने एक मॉक दिया थ्री डिजिट में नहीं आया, तो पहले तो थ्री डिजिट में घुसो, उसके बाद 150 तक खींचने की कोशिश करो, फाइन। एनमैट दूसरी चीज एडेप्टिव टेस्ट होता है, सो एडेप्टिव पे भी हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। एडेप्टिव का मतलब होता है कि तुम जितने भी लोग बैठे हो सकता है अगर सेम स्लॉट में तुम लोग बैठो तो भी तुम्हें सारे क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे, तो तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से पेपर अपने आप को एडेप्ट करेगा और वो चाहेगा कि तुम ज्यादा स्कोर करो, तो पेपर विल बी इन योर साइड, ऑन योर साइड, ठीक है। तो वो याद रखना कि पेपर तुम्हारे साथ है तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हें स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो तुम डीआई सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें बैक टू बैक डीआई आ रहा है तो शायद तुम्हारा पेपर चाहता है कि तुम डीआई ज्यादा सॉल्व करो, वहां पे तुम्हारा स्ट्रेंथ लाया कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है किसी को बैक टू बैक डीआई दिखे, किसी को इनपुट आउटपुट जो अपना डिसीजन मेकिंग वाला है वो सीरीज दिखे, हो सकता है किसी को नंबर सीरीज ही दिखे, किसी को पैसेजेस एकदम ही कम आए, वोकैबुलरी ज्यादा आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो ओपन माइंड से चलना इज ऑल आई वांट टू टेल यू, कि ओपन माइंड से रहना, पेपर एकदम अलग रहेगा, सिंपल है, बहुत सिंपल, तो फटाफट फटाफट सॉल्व करना। यू कैन मूव इन ओनली वन डिरेक्शन, तुम वापस, सो बेसिकली कैट में कैसा राइट साइड में क्वेश्चन पैलेट होता है, तुम 1 2 3 को फिर क्लिक करके आगे पीछे मूव कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो मैं हर बार कोई ना कोई ऑप्शन मार्क करना है, तब तक तुम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और एक बार कर लिया तो पीछे नहीं जा सकते। दूसरी चीज याद रखना, अब ये एक अफवाह है या सच है वी डू नॉट नो, लेकिन जीमैक जो एनमैट कंडक्ट करता है वो थोड़ा नोटोरियस टाइप का है। वो क्या करता है, अगर तुमने किसी सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ दिए तो पेनाल्टी चार्ज करता है, मतलब निगेटिव मार्किंग बोल सकते। तो अगर मान लो तुम्हें दिख रहा है टाइमर जा रहा है तो टुक्का मार के आगे बढ़ो, रुको मत, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर 100%, चाहे लास्ट में 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स बच जाए चलेगा, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए ताकि वो पेनाल्टी वाले जोन में तुम। अब ये अफवाह भी हो सकती है और ये सच भी हो सकता है, जीमैट जो एग्जाम है उसमें होता है पेनाल्टी चार्ज करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सारे क्वेश्चंस एनमैट में तुम्हें अटेम्प्ट करना, और मैं सिर्फ एनमैट की बात कर रहा हूँ, सो स्नैप से उसको कंफ्यूज मत करो, फाइन। तुम्हें टोटल 12 मॉक्स मिलेंगे एनमैट के, ठीक है, सो उसको प्रॉपरली तुम सॉल्व करना, दिन में एक पकड़ के चलो अपने टाइमलाइन के हिसाब से, जो तुम्हारा स्लॉट है, जैसे कैट में हमने कहा था कि कैट का जो तुम्हारा एक्चुअल स्लॉट है वो टाइम जोन में ही तुम मॉक कैट अटेम्प्ट करो, वैसे ही सेम इज फॉर एनमैट, घर पे तुम वही टाइम जोन में मॉक एनमैट अटेम्प्ट करो, ताकि वो तुम्हारा ब्रेन वो 2 घंटे के लिए चार्ज्ड रहे या उसको एक हैबिट बन जाए, राइट। दूसरा, जब तुम सेंटर पे जाते हो, ये चीज भी अभी मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारे आईडी प्रूफ्स प्रॉपरली रखना जो तुमने वहां पे नोट किए हुए, वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे ना आए या बच्चे ना आए, तो थोड़ा ये ध्यान में रखना कि आईडी प्रूफ्स प्रॉपरली रखना, जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें तुम्हारा डेट टाइम वगैरह वो प्रिंट आउट करके लेके जाना, और ब्लैक एंड व्हाइट भी रहा तो चलेगा, कलर प्रिंट आउट का पैसा डालने की जरूरत नहीं, ओके। एनमैट 2 घंटे का रहेगा, 12 से 120 मार्क्स का एक सेक्शन होता है, मतलब अगर तुम कुछ भी ना करो तो भी तुम्हें 12 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा एक सेक्शन, ठीक है। अब उससे ऑब्वियसली कुछ लेना देना नहीं है। इंग्लिश में टाइमर कम होता है कंपेयर टू क्वांट एंड एनआरडीआई, रीजन बीइंग उसमें अगर मान लो कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन है या फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है तो वो काफी फास्ट हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है, जिसके लिए उसमें टाइमर कम होता है। कुछ वोकैब के क्वेश्चंस मेरे पास पीडीएफ मिला है न्यारे सर के, तो मैं उसको थोड़ा अरेंज करवा के तुम लोगों को दे दूंगा, तो एटलीस्ट उतने वोकैबुलरी के वर्ड्स को कर देना, अराउंड 150-200 वर्ड्स ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ उसमें तो एंटोनिम सिनोनिम भी दिया होगा तो शायद तुम्हें हेल्प कर सकते, ठीक है। सो ये ओवर द टाइम कलेक्ट किए हुए वोकैबुलरी के वर्ड्स है, कुछ तुमने वोकैब के बुक में भी ऑब्वियसली पढ़े होंगे या इधर उधर से भी तुम्हें पता होगा, बट दैट डजंट मीन कि उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, सो थोड़ा तुम्हारा भी मेहनत रखना। दूसरा
इंग्लिश में आर सी स्पेल। सो बेसिकली जैसे कैट में हम सोचते हैं एग्जैक्टली उसका उल्टा, कैट में हम वर्बल में आर सी पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब जितने भी एंट्रेंसेस आएंगे एक्सेप्ट दैट, तो मैं आर सी पे फोकस नहीं करूंगा, ठीक है, नॉन आर सी क्वेश्चंस पे जाऊंगा, क्योंकि कैट में जैसे वोकैबुलरी नहीं होता है, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अब यहाँ पे आएंगे, तो ये जनरली सिंपल होते हैं और फटाफट सॉल्व हो जाता है, तो उस पे ज्यादा फोकस, ठीक है। क्वांट एलआरडीआई में वापस से तुम्हारा जो फेवरेट सेक्शन है उसमें से सॉल्व करना, और जो तुम्हारा फेवरेट सेक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है वो तुम्हें पसंद नहीं आता है, लेकिन उसके बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अरेंजमेंट, तो ये वाले क्वेश्चंस, बेसिक वाले क्वेश्चंस करना, ठीक है, यानी ब्लू बुक लेवल। सो ब्लू बुक लेवल में से तुम लोग सॉल्व कर देना। एलआरडीआई में जो जैसे वापस है कैट में हम सेट सॉल्व करते हैं, अरेंजमेंट वाला जिसमें एक सेट सॉल्व किया तो चार क्वेश्चन हो जाते हैं, वो सारी चीज यहाँ पे अवॉइड करना, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिंगल क्वेश्चन वाला कुछ मिलता है, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक सीरीज हो गया, या इनपुट आउटपुट सीरीज हो गया, तो ये टाइप के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, ठीक है। सो उस पे ज्यादा फोकस करना, सेट पे नहीं, जितना सेट तुम अवॉइड कर सको, या एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं उसको, बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग तुम जितना अवॉइड कर सकते हो। सो एनालिटिकल रीजनिंग इंक्लूड्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ये सारा अवॉइड करना, ठीक है। लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स है, फैमिली रिलेशनशिप, उसमें भी चेन रिलेशनशिप, वो थोड़ा अच्छे से मेहनत करना। फिर डिरेक्शन सेंस, तुम लोगों का वर्कशॉप में हुआ होगा, एडवांस रीजनिंग वर्कशॉप, डायरेक्शन सेंस, और वो सारे चैप्टर्स का, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और वो सारा, तो वो सब आएगा, ठीक है। ब्लू बुक में शायद चैप्टर डी है, ब्लू बुक में तुम्हारा चैप्टर डी में वो सारे क्वेश्चंस है, तुमने देखे भी होंगे, तो वहां से वो अटेम्प्ट करना और प्रैक्टिस करना। ओके, एनवर्ट में कुछ और है सर? वोकैबुलरी के वर्ड्स अपने मॉक एग्जाम में भी गाइड वर्ड प्लस उसके जो भी ऑप्शन होंगे, हाई चांसेस है वो तुम्हारे सारे नए वर्ड्स ही होंगे, तो एक क्वेश्चन में शायद तुम्हें चार पांच नए वर्ड्स वापस मिल जाए, तो वो भी वर्ड्स कलेक्ट करके उसका भी मीनिंग निकाल सकते हो जस्ट एज अ गेस इन केस यूज करनी है तो। ज्योमेट्री नहीं है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, बट डीआई टेंड्स टू बी थोड़ा ट्रिकी व्हेन इट कम्स टू एनमैप, मतलब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस वही रहा कि ट्रिकी इन द सेंस नंबर्स हैव कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं जो अपने स्टैंडर्ड परसेंटेजेस फ्रैक्शंस में से ना हो इन केस, या मल्टीपल ग्राफ्स कभी-कभी होते हैं पेपर में, तो उनसे डर मत जाना, बट दैट वाज द रीजन कि हमने वो डीआई का वर्कशॉप क्यों रखा था, फॉर द सेम रीजन कि उसमें से मल्टीपल चार्ट्स आए या अलग लेवल के थोड़े क्वेश्चंस आए तो कैसे उसको हैंडल करना है या टैकल करना है उसके लिए, तो वो एक थोड़ा ध्यान रखना एज फार एज क्वांट एंड डीआई इज कंसर्न। तो इनमेट में क्वांट और डीआई एक साथ आएगा, एलआर में वर्बल वाला भी थोड़ा एलआर है इन द सेंस वो वर्बल रीजनिंग वाले, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चंस, वो सारी चीजें वर्बल की जो होती है वो इनमेट के एलआर में तुम्हें नॉर्मल एलआर के साथ दिखेगी, और वर्बल यानी तुम्हारा प्योर वर्बल रहेगा जिसमें तुम्हारा आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांट में एक और चीज तुम कर सकते हो, हमेशा याद रखो जब पेपर सिंपल होता है ना, स्पेसिफिकली क्वांट में, तो ऑलवेज गो बाय ऑप्शंस, ये चीज याद रखो, ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से फीड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन से जो ऑप्शन दिया 1 2 3 4 5 जो भी, क्योंकि पांच ऑप्शन रहेंगे इसमें, चार नहीं होंगे इसमें, पांच होंगे, तो जो ऑप्शन दिया वो फीड करो, तो मे बी वो फास्ट हो सकता है, या जिसको क्वांट से डर रखता है तो ऑप्शन से फीड कर दो, हो सकता है वहां पर तुम्हारा फास्ट हो, ट्रायल एंड एरर बेसिकली, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एनमैट, सो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, वो तो तुम लोगों को पता ही होगा। अब कमिंग टू स्नैप, स्नैप अब ये थोड़ा सा अजीब टेस्ट होता है, अजीब टेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल ये दो या तीन ऐसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वे में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, लॉजिकल होता है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जो तुमने सोचे भी नहीं,
तो अगर वो टाइप के कोई क्वेश्चन तुम्हें एनकाउंटर होते हैं जो सिलेबस में था, तुमने कैट में देखा है ना, एनमैट में देखा है, तो टेंशन मत लेना, वो थोड़ा सा स्नैप करता है और वो दो तीन क्वेश्चंस ही होते हैं, ज्यादा नहीं होता है, खासकर एलआर में बोलूंगा। अब स्नैप में ज्यादा कुछ बोले ऐसा है नहीं, खाली इतना है कि वो सिर्फ 1 घंटे का पेपर है, तो 60 मिनट्स ऐसे ही निकल जाता है, तो उसके लिए तुम्हारा मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। व्हाट आई सजेस्ट इज कि तुम लोग बिफोर यू स्टार्ट विद स्नैप का पेपर ऑन एक्चुअल डे, मान लो तुम्हारा 10 तारीख को अगर एग्जाम है या 23 को एग्जाम है, तो पेपर के जस्ट पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो दिमाग में। अगर तुम पेपर में बैठ के वार्म अप करने बैठोगे ना, तो 15 मिनट तो वैसे ही निकल जाएगा स्टार्टिंग में। तो जैसे ही तुम अपने सीट पे बैठे हो और वापस है, जैसे कैट में बताया था सबसे आगे रहना, सबसे पहले घुसना सेंटर में अंदर, तो सेम चीज फॉर स्नैप एंड इनवर्ट, ठीक है? सो आगे जाके बैठ जाना, और मेंटल कैलकुलेशन इज प्रिफर्ड, यू कैन टेक एनी नंबर्स 22 into 23 दिमाग में करो, तो ये तुम्हारा वार्म अप हो जाएगा, सब दिमाग में ही करना, ठीक है? कुछ भी, या एडिशन कर लो, 2 3 4 7 + 7 = 22, कुछ भी कर लो बट वार्म अप कर। तो जैसे ही तुम पेपर में एंटर करते हो ना, तो वो चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। एल्स व्हाट यू कैन डू इज कि अगर मान लो तुम सोचते हो कि स्नैप में पहला वर्बल होगा, न्यूज़पेपर कैरी कर लो, बुक कैरी कर लो, पढ़ लो रास्ते में, वो ऑटोमेटिकली वॉर्म अप, ठीक है? तो ये चीजें तुम कर सकते हो, या जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लेना, वहां पे पहुंचने के बाद जब सेंटर पे तो अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहां पे तुम लोग मेंटल कैलकुलेशन कर लेना। जनरली मैं क्या करता था, इंस्ट्रक्शंस 2 3 बार रीड कर लेता था जब मैं एस्पायर कर रहा था, इंस्ट्रक्शंस 2 3 बार रीड कर लिया, अपने आप वॉर्म अप, ठीक है? तो सेम चीज तुम भी कर सकते हो, बट वार्म अप करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारा गाड़ी जैसा होता है ना, एकदम से फोर्थ गियर पे नहीं जाती है। तो सेम इज विद आवर ब्रेन, एकदम से दौड़ना शुरू नहीं करता, लेकिन टाइम लिमिट यहाँ पे कम है तो तुम्हें दौड़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, सेक्शनल टाइम लिमिट है नहीं, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो जो अच्छा लगता है, जो सिंपल लगता है, वो सॉल्व करो। पेपर इजी से डिफिकल्ट होगा, यानी मॉडरेट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, तो गलत क्वेश्चन पे मत अटक। वापस से आरसीस अवॉइड करो, एनालिटिकल रीजनिंग अवॉइड करो, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस करो। अब इसमें ज्योमेट्री तुम्हें दिख सकता है, इसमें तुम्हें फंक्शंस दिख सकता है, लॉग दिख सकता है, ठीक है? तो अगर वो तुम्हारा सेक्शन नहीं है तो अवॉइड करो, मत करो उसको, ठीक है? वापस से इसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग है तो तुक्के नहीं मारो, ठीक है? जितना आता है उतना सॉल्व करना है, तुक्के मत मारना, 1 घंटे में शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो अगर तुम 40+ लाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाएगा। सो ट्राई टू रीच 40 का मार्क, यानी 40 सवाल, तो 50 सवाल तुम्हें करना है, कंसिडरिंग के 10 सवाल गलत हो गए, इसका मतलब ये है कि क्वांट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्वांट तुम अवॉइड नहीं कर सकते, सो ओवर द टाइम उसको भी तुम इम्प्रूव करो, फाइन? ओके, कुछ पूछना है एनमार्क स्नैप में? वो आपने पेपर बनाया है सर, जब तुम एडप्टिव टेस्ट करते हो ना, वहां पे मार्क्स लिखे नहीं रहते। सो व्हाट वी थिंक, अब मार्क्स कैसा होता है, अगर मान लो 10 सवाल है हम दोनों के, अगर सेम है, डिपेंडिंग ऑन के मेरे कितने राइट हुआ, तेरे कितने राइट हुआ, मार्क्स वेरी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रेंज दे दिया है 12 to 120, एंड वी डू नॉट नो कि उसके बीच में क्या होता है। जैसे कैट में हमें पता है कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन, तुम्हारा एक रॉ स्कोर आएगा, फिर उसको भी वो लोग कन्वर्ट करते हैं और एक तुम्हारा फाइनल स्कोर आता है, ठीक है? तो उसमें भी हमें नहीं पता फाइनल स्कोर कैसे करते हैं, वहां पे शायद ऐसा अजम्पशन है कि कुछ क्वेश्चंस कम मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हाई मार्क्स के, उसके लिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, स्नैप में कोई टेंशन नहीं है सेक्शंस में, एनमैट में तुम्हें पहले से सेक्शन डिसाइड करना होगा, अगर तुमने मॉक दिया तो तुम्हें ख्याल में आ गया होगा, तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना। व्हाट आई सजेस्ट इज कि एलआरडीए पहले मत, रीजनिंग वाला पार्ट पहला,
वो सबसे यानी अच्छा लगता है रीजनिंग, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग भी वही खाता है, वो चीज है आपको एनमैट के लिए। स्नैप में भी तो रीजनिंग पहले अवॉइड करो तो अच्छी बात है। इफ यू आर लाइक के कैट का इतना टाइम प्रिपेयर करते करते वर्बल पहले अलर्ट ईयर बाद में कौन हो गया तो ऐसा भी रख सकते, नो प्रॉब्लम। खाली पहला अलर्ट मत रखो, चलेगा। हाँ हाँ इंग्लिश पहले फिर एलआर फिर क्वांट, और क्वांट में डी आएगा ना सर, क्वांट में डी आएगा, एलआर में डी आई नहीं आएगा। वर्बल रीजनिंग पता है ना कौन सा, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन, सिनॉक्स, सारे एग्जाम्स टिल सीईटी। इंग्लिश में प्योर इंग्लिश वाला पार्ट आएगा, और मैथ्स में डी आएगा, तो एक आधा सेक्शन तुम्हें डी आएगा देख सकते। अब तुम लोग वो मेहनत कर लो कब कौन सी चीज क्या हो रही है, कहीं पे अगर कुछ अटकता है तो बताओ, पर बाकी अब तुम लोग थोड़ा मेहनत करो वेबसाइट पे जाके सर्च करके डेडलाइंस निकाल के सारी चीजें यहाँ जाओ। पर क्वेश्चन तुम कितना टाइम स्पेंड करो, अब देख जनरली तो 60 सेकंड्स डालना चाहिए, 36 क्वेश्चंस होंगे ना, मेरे ख्याल से एनमैट में 40 मिनट्स होता है 52, तो एक मिनट जनरली डालना होता है, अगर टाइमर के हिसाब से देखे तो फिर 1.5 मिनट भी तुम्हें चलेगा। अगर तुम जैड दे रहे हो तो ग्रीन बुक खत्म करो ओवर द टाइम। कौन कौन दे रहा है जैड, और ऑनलाइन में कौन कौन दे रहा है, हाँ बोलो। ठीक है ठीक है, ठीक है चलो। अभी जैट का मैं बता देता हूँ क्योंकि ऐसे हम बार बार तो मिल नहीं सकते हो। जैट पे आते हैं, जैट इज एंटायरली अ डिफरेंट बॉडी, एकदम अलग ही चीज है। उसमें दो ही सेक्शन हो गए, तीन सेक्शन नहीं हो गए, तो उसमें कौन डी आई साथ में आएगा, वर्बल एल आर साथ में आएगा, एंड इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम दैट यू गाइज विल बी अपीयरिंग। तो डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट होंगे, और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ जितना पेपर डिफिकल्ट है उतना कट ऑफ कम होता है, यानी तुम 25-30 मार्क ले जाओ तो भी तुम्हारा 90-95% ही आता है, और यहाँ पे तुम्हें 25-30 एनमैट में तो कुछ भी नहीं, ठीक है, तो 36 मार्क तो वो एनमैट वाला ही दे देता बिना कुछ करे, 12-12-12। तो जैट डिफिकल्ट रहेगा। अब मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करता था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जैट, के क्वांट और डीआई हमेशा से मेरा डीआई कंपैरेटिवली अच्छा था, तो डीआई मैं फोकस करता था क्वांट के जगह, और वर्बल एलआर में फोकस करता था, ठीक है। सो उसमें पजल टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सो पजल टाइप क्वेश्चंस वुड बी लाइक ए बी 7 into 2, 3, B, 2, 3, C, तो जैसे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और उसमें कुछ डिजिट्स को उन्होंने अल्फाबेट से रिप्लेस कर दिया, एंड दे विल आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ए प्लस बी, ठीक है। तो ये पजल टाइप हो गए यहाँ, जहाँ पे तुम्हें मेहनत ही करना है, तो अगर ये टाइप के भी क्वेश्चन तुम कर लो क्रैक तो काफी हेल्प करता है, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने पहली बार जैट दिया था
ऐसा था, तभी तो पेपर पेंसिल टेस्ट हुआ था, तो बैठा था मैं 15 मिनट लेके, ये टाइप के क्वेश्चन 15 मिनट लेके बैठा। जैसे उसने पेपर उठाना शुरू किया इनविजिलेटर ने, तभी मुझे स्ट्राइक हुआ और मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, और उसके पीछे 3 हो गया बिकॉज इट वॉज अ सेट। तो वो काफी हेल्प करता है, मुझे याद तो नहीं कितना परसेंटेज था तभी, बट आई एम श्योर 90+ आया होगा वो सेक्शन, ठीक है। सो ये चीज याद रखो, पेपर डिफिकल्ट होगा तो हो सकता है तुम्हें एक एक सेट पे 15 मिनट डालना पड़े, तो उससे डरना मत, ठीक है। टाइम ज्यादा डालना है डालो, सॉल्व करो, बैठ के सॉल्व करो। दूसरा उसमें डिसीजन मेकिंग का एक सेक्शन आएगा, तो डिसीजन मेकिंग का सेशन मैं खुद ही लूंगा, दिस वी विल कीप टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही रखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ खास प्रैक्टिस जैसा है, ठीक है। सो जब वो सेशन होगा तभी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम लोगों को, और अकॉर्डिंगली वो सेशन अपन कर लेंगे। 1 घंटे का 1.5 घंटे का 2 घंटे का सेशन होगा, एंड दैट शुड बी सफिशियंट बिकॉज इट इज मोर लाइक एथिकल डिसीजन मेकिंग, तो तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस यूज करना है, एंड यू हैव टू बी लाइक एन आइडियल पर्सन, रोबोट की तरह, कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए चाहे जिंदगी में हो या ना हो, तो वो अपन तब देखेंगे जब आएगा। तो ये 3 सेक्शन मिलके तुम्हारा परसेंटाइल जनरेट होगा, बाकी 2 सेक्शन जो है दैट इज जीके जीए एंड एसए, तो दिस विल बी जज्ड बाय ओनली एक्सेल आर, ठीक है, ऐसे है ना। तो ऐसे में ये सब अच्छा ठीक है, तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, बट सर वो डिसीजन मेकिंग का भी परसेंटाइल ऐड होके फिर होगा। हां 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 वो भी उसका भी परसेंटाइल होगा, खाली जीके का परसेंटाइल सिर्फ एक्सेल आ रहा है, बाकी कोई कॉलेज है जीके में नहीं है, जीके में ठीक है, बाकी जो मेन 3 सेक्शन है उसमें जीके जीए जनरल अवेयरनेस, उसमें भी थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब तुम मॉक दोगे तो तुम्हें ध्यान में आएगा। सो जीके यानी ऐसा नॉर्मल जीके नहीं आता, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूरा एक पैराग्राफ होगा, ऑप्शंस भी 3-4 लाइनर्स के होंगे, तो तुम्हें पूरा रीड करना है उसके बाद आ जाएगा। सो जीके भी वो सेट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, ओके। जैट में कुछ पूछना, ठीक है, सो ग्रीन बुक खत्म हो गई, दो और बना सकते देखते और बन देते हो जिसके नहीं हुए कैट में मॉक्स दे दो, तो वहां पे भी तुम जैट लेवल का पकड़ सकते हो, पेपर पैटर्न डिफर करेगा, ओके। और देन कमिंग टू आईएफटी, आईएफटी का किसी ने भरा, ओके। सो आईएफटी का मैं एक बार बता देता हूँ, ऑनलाइन में एक जन है, सो आईएफटी का सो एज सेड कब लिया था मैंने, ऑल अबाउट बी स्कोर में मैंने बता दिया कि उनका सेक्शन मिनिमम होता है, सो यू हैव टू स्कोर 1-1.5 मार्क या 2 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन। और पेपर पैटर्न जनरली उनका हर साल बदलता है, मैंने पिछले 2 साल से तो फॉलो नहीं किया आईएफटी को, लेकिन हर साल पेपर पैटर्न बदलता है, तो उसमें एक चीज याद रखना कि सबसे पहले सारे सेक्शंस में सेक्शन मिनिमम स्कोर कर लेना, यानी तुम हर एक सेक्शन में 5-5 सवाल एटलीस्ट वो वाले अटेम्प्ट करना जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, कि ये तो राइट हो गए हर एक सेक्शन में। सो एक बार वो तुम्हारे सेक्शन मिनिमम हो गया, उसके बाद तुम तुम्हारा जो फेवरेट सेक्शन है उसके हिसाब से तुम घूमो। सो मान लो अगर तुम्हें लगता है कि वर्बल में ज्यादा करना है तो वर्बल सॉल्व करना, इफ यू आर लाइक के क्वांट में करना है तो क्वांट में करना, ठीक है। तो पहले सेक्शन मिनिमम सारे सेक्शंस का कर देना, यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ व्हाट, फर्स्ट 30 मिनट्स
टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, उसके बाद तुम मैक्सिमाइज करना तुम्हारा स्कोर, ताकि वो सेक्शनल मिनिमम वाला तुम्हारा पॉइंट क्या कहते हैं टिक हो जाए या सफाइस हो जाए, उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल विल बी सेम एज दैट ऑफ कैट, सो इट वोंट बी अ सिंपल पेपर IFT का। वो मार्किंग सिस्टम भी कभी कभी आगे पीछे करता है, डिफिकल्टी लेवल पेपर का डिफर करता है, कभी कभी IFT का कट ऑफ 37.5 हुआ है, कभी कभी IFT का कट ऑफ 55 हुआ है, सो इट डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। तो उसका सीधा सीधा कट ऑफ होता है कि तुम क्लियर हुए या नहीं, दैट्स इट। और IFT में भी GK है, सो IFT का GK फॉरेन ट्रेड रिलेटेड रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा लेकिन वो सिंपल होता है। सो IFT के GK के लिए मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि IFT GK में ऑप्शन वाइज जाओ। सो उसमें GK कैसा होता है कि देयर विल बी टू कॉलम्स व्हिच विल बी गिवन, कॉलम 1 कॉलम 2, मान लो कि कंट्री के नाम है और प्राइम मिनिस्टर के नाम है। सो यहाँ पे ABCD लिया, इंडिया, पाकिस्तान, UK, US, ठीक है, और यहाँ पे नाम भी है। तो तुम्हें ऑप्शंस में से देखना है कि फर्स्ट का ए है या फर्स्ट का बी है या फर्स्ट का सी है, मैच द फॉलोइंग। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हें दिख गया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाला एक ही ऑप्शन तुम्हें दिखेगा, तो वो फास्ट हो जाता है, यानी तुम्हें सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर याद रखने की भी जरूरत नहीं है, तो वो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से कर सकते हो। तो वो टाइप के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, so it will help you to score more in GK section. comparatively quant or LRD तो difficult रहेगा ही, so mentally prepared रहना कि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई question है एक तब? definitely उसके तो marks भी तुम्हें मिलेंगे। हाँ, अभी और कौन सा एग्जाम है? IBSAT IBSAT को IBSAT है, घर से ही देना। कोई नहीं, IBSAT तो कर लेना मैनेज, अब इतना तो समझदार ही हो तुम लोग, सेमेस्टर एग्जाम तो दिए ही है यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन वाले, इतना देख लेना, उसमें ज्यादा कुछ बोले। हाँ, लेकिन IBSAT का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, सो डू नॉट वरी। हाँ, सो दैट इज अ फैक्ट, इसका पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चंस यानी कैलकुलेटिव बहुत होता है, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, पता नहीं क्या ही सोच के बनाते हैं, बट उसमें क्या है कि हर किसी को इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बताता है, सो डू नॉट वरी, इंटरव्यू तो तुम देने ही वाले हो, ठीक है। कैसा इंटरव्यू, ऑनलाइन बोला है हैदराबाद जाता है? बोला नहीं है। देखो उनका कैसा होता है, यानी कोरोना के पहले वो सबको हैदराबाद बुला देता है, सबको, पूरे इंडिया से कैंडिडेट्स हैदराबाद। अरे नहीं, इट इज अ शॉर्ट ट्रिप, अरे दिस इज गोइंग टू हैपन इन फेब्रुवरी, टिल देन तुम्हारे सारे सेमेस्टर्स हो गए, सॉरी तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, सेमेस्टर नहीं पेपर्स हो गए, तो एक छोटा मिनी वैकेशन हो जाता, और उसमें तुम तुम्हारे इंटरव्यू डेट्स भी चेंज कर, मान ले तेरा 16th आया, तेरा 19th आया, तुमको रिक्वेस्ट डालना कि हम दोनों का 16th कर, तो हो सकता है, सो यू कैन ट्रैवल टुगेदर, तो ये तुम लोग रिक्वेस्ट डालो, वो भी कर देते हैं। एग्जैक्टली, कैंपस भी देखना हो जाता है, नहीं एडवर्टाइजिंग तो ठीक है, उनको जरूरत नहीं है, बट पॉइंट इज के वो वहां पे तुम जब जाओगे ना, एंड देन यू विल फाइंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द सेम डे, वो एक बार मैनेजमेंट देखेगा, खतरनाक मैनेजमेंट, दैट इज लिटरली इम्प्रेसिव। 10,000 बच्चों को, 20,000 बच्चों को एक साथ तुम्हें सबको GD के लिए भेजना, इंटरव्यू के लिए भेजना, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती है उनकी, उसके हिसाब से बेचारे इंटरव्यूअर्स भी थक जाते हैं पूरा दिन भर इंटरव्यू लेने के, तो वो सब मैनेज करना सच में एक बड़ा टास्क होता है, वो भी एक सीखने जैसी चीज है, तुम पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो।
अकेले जाना है तो मैं बोलूंगा दोस्तों के साथ ही जाओ अगर उन्होंने ऑफलाइन रखा तो, बट मेंटली प्रिपेयर रहना कि हैदराबाद तुम्हें जाना पड़ सकता है अगर ऑफलाइन हुआ तो, ठीक है? सो टेक इट एज अ मिनी वैकेशन, मस्त घूम के आना 4-5 दिन, ठीक है? बाकी आईबी साइड में कुछ खास है नहीं बताने जैसा, क्योंकि सबको इंटरव्यू के लिए नो आइडिया, एक बार पेपर हो जाने दो फिर मैं पूछ के सब इंफॉर्मेशन लेके रखता हूँ क्या सीन है। वो लोग सबको बुलाएंगे और फिर फाइनली 100 में से तुम्हें स्कोर, यानी बेसिकली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने आईबी सेट में कितना स्कोर किया। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलता, दे डू नॉट डिस्क्लोज। सो तुम लोगों को डायरेक्टली तुम्हारा आईबी सेट का या एनमैक का या कैट का स्कोर जो भी एक्सेप्ट हुआ, GDPI या प्रेजेंटेशन जो भी है, तुम्हारा पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड है, 10, 12 वर्क एक्स, ये सब मिला के फिर फाइनली 100 में से एक स्कोर आया, ठीक है? सो इफ यू आर अबव 80-85 तो यू गेट आईबीएस हैदराबाद का कैंपस, इफ यू आर अबव 70-75 तो यू गेट आईबीएस मुंबई का कैंपस, इफ यू आर अबव लाइक 50-55 तो यू गेट आईबीएस पुणे का कैंपस, एंड सो ऐसा होगा होता है, ठीक है? तो वो एकदम लास्ट में तुम्हें पता चलेगा। तो एक मिनट दे दो, मैं बैटरी ले लेता हूं। QA ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आईबी सैट। अब कौन सा एंट्रेंस, माइकैट तो अपन अलग से बात करते हैं बाद में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा उसमें लिखना पड़ेगा। सो विल स्टार्ट विथ योर प्रैक्टिस रिजल्ट, ठीक है? तुम में से सो एक दो और कौन दे रहा है माइकैट का एग्जाम ऑनलाइन में? जानवी और कौन दे रहा है? ठीक है, तुम लोग एक मैसेज ड्रॉप कर देना, तुम लोगों का एक अलग से ग्रुप मैं बना दूंगा। एकता तू भी मैसेज ड्रॉप कर देना, तेरा भी एक ग्रुप बना देंगे अलग से आईएफटी का। और हाँ, जो लोग जैड दे रहे हैं वो लोग भी मैसेज कर दो कि कौन कौन जैड दे रहे हैं, तो एक ग्रुप अलग से बना देंगे। अपन कैट वालों को बोल नहीं करेंगे। ओके, सीमैट सी भी जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो उस पर रश करने की जरूरत नहीं है। कुछ और देखो, वैसे तो वो होना चाहिए जनवरी फरवरी में लास्ट ईयर, यानी ये साल अप्रैल में होगा, सो काफी लेट हुआ था, जनवरी में ही पता चलेगा कब होगा। हाँ, आईबी साइड में एक और चीज मैं बोलना भूल गया कि आईबी साइड वाले बाकी के टेस्ट का स्कोर भी लेते हैं, तो एनमैट जब तुम दे रहे हो एंड यू आर लाइक के 150 प्लस आ गया तो तुम्हें आईबी साइड देने की जरूरत नहीं है। उनको कॉल करके बोलना कि मेरा 150 प्लस है, एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट कर, तो एक एक एग्जाम देने से तुम बच जाओ, ठीक है? हाँ, टेस्ट का तो अब उसमें कैसा है, टेस्ट नेट उनका एग्जाम होता है, और बीच में एक दो साल ऐसा हुआ था जब टेस्ट मैट भी उसके बाद लिया था। तो टेस्ट नेट में 40% इज जीके, विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन सोशल इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, और 60% भी बेसिक एप्टीट्यूड, क्वांट, एलआरडीआई। सो इसमें जो एप्टीट्यूड होता है ना, वो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन, तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जीके जीएस में बहुत पड़ता है, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है याद रखना,
ठीक है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सर पीडीएफ शेयर करेंगे। हाँ, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक वीडियोज ऑफ जीके दैट वी आर लुकिंग इनटू, बट वो जैसे होगा तो भी बताया, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा 100%। There is no limit for GK. बस तो कहीं पे भी नहीं होता। ऐसी कोई बुक नहीं है, सब पढ़ना पड़ेगा। नॉन, वो बेसिक, वो वापस है ब्लू बुक टाइप्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। कभी अच्छा करना ही नहीं था तो कभी देखा ही नहीं। टेस्टनेट वाले भी एक मैसेज ड्रॉप कर देना ताकि तुम्हारा भी एक ग्रुप अलग से बना। जनवरी में होगा एग्जाम, जनवरी ठीक है, नहीं अभी तक उसका भी जैसे आएगा तुम्हें ग्रुप में डाल देंगे। एक डेढ़ हफ्ते में आ जाता है, अब सब चीज फास्ट होती है, फटाफट फटाफट फटाफट। 70s में 71-72 टाइप्स। ओके, और कोई एंट्रेंस? सीमेंट में एक्चुअली बताने जैसा कुछ है नहीं, वो अपन मैं थोड़ा एक छोटा ऑडियो डाल दूंगा व्हाट्सएप। हाँ यार, इतना कुछ तो हो गया यार, एमआर दे दिया, कैट दे दिया, आई वी सैड दे दिया, तब तक तो मैं मे बी हो सकता है तो तुमने इंटरव्यू भी दे दिए होंगे बहुत सारे कॉलेज के। ठीक है, उसके अलावा एटमा मैट शायद तुम में से कोई देने के लिए इच्छुक होगा तो दे सकते हो, वापस से बोल रहा हूँ एंट्रेंस जो देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्म फिलिंग पूछ लें। ठीक है, ओके, कोई और क्वेरी क्वेश्चन? ठीक है, सो कैट तुम्हारा कैसे भी हुआ हो याद रखना, अभी तक वो कहते हैं ना, वन ऑफ द बैटल इज डन, वॉर इज स्टिल ऑन, मल्टीपल बैटल्स है जो तुम्हें खेलनी है। रिजल्ट तो सबके आते नहीं है तुरंत, सो जब आएंगे तब आएंगे, तब तक तुम्हारा बेस्ट देते रहो। एनमैट का तो वो तुरंत ही पता चल रहा है। हो सकता है, सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहता, बट जैसे मुझे ना आईडिया, अब जैसे मान लो तुम्हें 250 प्लस आ गया तो एनएमआई में कॉल दे नहीं जाता, 300 प्लस आ गया तो 190 आया तो स्नैप में अच्छा परफॉर्म कर लेना। उसके है ना कट ऑफ अलग रहते हैं, यानी एनएम मुंबई बैंगलोर का एक रहेगा, नवी मुंबई और इंदौर और हैदराबाद का अलग हो सकता है, मतलब कम कट ऑफ पे भी कॉल आ सकता है। गेजे सोमैया का कट ऑफ अलग रहेगा, अगर तुम में से किसी ने मानो जेवियर्स भुवनेश्वर भरा होगा एचआर के लिए या ये सारे, तो सबके अलग अलग कट ऑफ होते हैं। आईबीएस का जैसे मैंने बताया 150 प्लस, तो सबके अपने अपने एक कट ऑफ होते हैं। तो हाँ, NMIMS में yes, sectional cut off around 60% पकड़ो, उसका sectional cut off बहुत high है। seventy-five तो पकड़ के ही चलो, 70-75 तो लाने ही है। तो जैसे हाँ,
अपने मार्क्स के हिसाब से 50 50 50 पकड़ो। जेवियर्स जेवियर्स का आइडिया नहीं है बेटा, फ्रैंकली स्पीकिंग कभी किसी ने अप्लाई नहीं किया या दया नहीं। एक्चुअल टेस्ट ट्राई करो ना, अपना बेस्ट दो। कब है एनमैट का अटेम्प्ट? है अभी 15 दिन है, 15-16 दिन ट्राई करो। ये मैं वापस से बोल रहा हूँ, पेपर सिंपल है, तो पहले तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं कर सकती हूँ, उसके बाद करना। तुमने पूछा नहीं होगा, मैंने बताया ही होगा, मैं क्यों छुपा के रखूंगा? ऐसा बोले जैसे पहले मैं बस बात इसको बताऊंगा नहीं, मैं तो ध्यान में नहीं रहा होगा बेटा। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, अभी जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है ना वो सब कैट पर्सपेक्टिव है, हेलमेट पर्सपेक्टिव चीजें बदलती है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, अपना बेस्ट दो। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अपना बेस्ट दो, कोई ना कोई अंडर से तुम क्रैक कर ही लोगे, लेकिन अगर से तुम अंदर से ही अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो एक एफर्ट मार लो एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। वापस से मैं बोल रहा हूँ, हर एंट्रेंस में एक अच्छा कॉलेज है, सो बेस्ट देते जाओ, एंट्रेंस देना है देते जाओ, कुछ ना कुछ हो ही जाए, डू नॉट वरी। हाँ तुम्हारे डे के हिसाब से देखे दे सकते हैं वो, अगर तुम्हारे बीच में आ रहा है 10 तारीख को है और 15 को मैट है, तो 10 तारीख के माने 4 दिन पहले, यानी 5 तारीख से तुम मॉक स्नैप देना शुरू करो, स्नैप के हिसाब से। जैसे ही स्नैप खत्म होता है उसके बाद एनमैट पे स्विच, यानी 2 घंटे के हिसाब से 15 के बाद ना, 15 तक तो तुम यही देते हो, उसके बाद तुम स्नैप हो सकता है शायद पहला अटेम्प्ट स्नैप का तुम्हारा उतना ना जाए, बट 23 के ज्यादा मार्क्स दे। हाँ ठीक है, तो तुम पहले 5 मार्क्स तो फर्स्ट स्नैप के पहले दे दे, 10 के पहले, हाँ फर्स्ट स्नैप के अटेम्प्ट, उसके बाद यानी उसके पहले यानी 10 को है ना, तो टेंटेटिवली 5th से तू 4th से तू शुरू करेगी देना, तो 4th के पहले यानी 3rd तक तू मॉक एनमैट देते यार, ठीक है? फिर तू यहाँ पे स्नैप दे, मॉक स्नैप, उसके हिसाब से खुद को ट्यून कर ले, और फिर उसके बाद वापस से मॉक एनमैट लगे तो दिन में 2 दे अगर बस दे, और फिर वापस से जो तेरे 2 मॉक्स आ चुके स्नैप 2 बजे 3 बजे वो बाद में। नहीं एक्सटेंड हो गया, 8 दिसंबर हो गया। तुम्हारा जो शीट है वो भी हम अपडेट कर रहे हैं कॉलेज डेडलाइन वाला, देखते रहना वो चीज, ठीक है? डेट्स डेडलाइंस बदलती रहती है याद रखो, कुछ कुछ कॉलेजेस की, और कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, सो अगर तुम किसी कॉलेज का फॉर्म भरना रह गया मिस कर गया टेंशन मत लेना, बहुत सारे कॉलेजेस, ठीक है? टारगेट पे फोकस करना कि मैंने टारगेट 1 का कुछ भरा है, टारगेट 2 का कुछ भरा है, टारगेट 3 का कुछ भरा है, इवन इफ इट मींस आईआईएम्स, ठीक है? कि मैंने हर जगह से कुछ 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 भरा, तो टारगेट पे फोकस करना, एंट्रेंस के अंदर जो कॉलेज है उस पर उतना फोकस मत करना। अगर कुछ मिस हो गया डू नॉट वरी, रिलैक्स है बहुत सारे कॉलेज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारा कल जाके 99 प्लस स्कोर आ गया, इमेजिन हो गया छप्पर फाड़ के, तो एफएमएस का तो अभी तक फॉर्म भी नहीं निकला, एफएमएस दिल्ली जो शायद जनवरी में निकले, यू स्टिल हैव टाइम फॉर इट, तो अच्छे कॉलेजेस के लिए भी टाइम है, इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ठीक है? ओके कोई और क्वेरी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
ये है बहुत जेन्यून क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट मैं भी सोचता ही था बट ओवर द टाइम पता चला इट डज नॉट मैटर क्योंकि क्या होता है मान लो मॉक्स आप ठीक है मैंने सी 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 सब जगह मार दिया मैं एनालिसिस में देखूंगा ही नहीं कि भाई कितने मेरे खुद के सी थे या कितने मैंने सॉल्व करके सी थे सो जो स्कोर आना है वो आना ही सो एट द एंड इट डज नॉट मैटर ठीक है अब अपन एग्जामिनर पेपर सेटर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं वो पेपर सेटर कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये ए में होना चाहिए बी में होना चाहिए सी में होना चाहिए उसको पता है कि डिफरेंट मेरे को ऑप्शंस डाल दें कभी कभी पेपर में ऑप्शंस भी चेंज होता है और वो सिस्टम करता है वो पेपर सेटर भी नहीं करता वो खाली ऑप्शन डाल देता शफल इज द प्रॉपर वर्ड तो वो ऑटोमेटिकली शफल हो जाएगा यानी सेम क्वेश्चन अगर आया मेरे इसमें फर्स्ट ऑप्शन 4 है तो तेरे इसमें फर्स्ट ऑप्शन 5 वो भी होता है सो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे हाँ तो मैं खाली एक चीज बोलूंगा उस डायरेक्शन में मत सोचो इंस्टेड थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग के भाई सेकंड थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन तो होगा ही फर्स्ट और फोर्थ में से एक होगा तो दोनों में से एक जय माता दी का मैं फिर उसमें ये स्टिक मत हटेगा अरे नहीं 3 इज माय लकी नंबर सी इज माय दिख रहा है कि वो नहीं हो रहा सो थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग कर सर अगर मैं बता रहा हूं जो आप बोल रहे हो कितना होगा नो आईडिया दिस आर ऑल स्पेकुलेशन इस सच में तुम ले रहा है तुम ले रहा है बैटमैन तो पहले ही पूरा पता लेकिन मार्किंग नहीं है बेटा सो मैंने क्या बताया मैं वापस बता दूं कि एनमैट में अगर तुम कोई क्वेश्चन छोड़ते हो सेक्शनल माने टाइम ओवर हो गया ठीक है और कुछ क्वेश्चन छूट गए एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो शायद उस पे पेनल्टी शायद सो तुक्के मार देना सारे ऑप्शंस सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो 5 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम 30-50 सेकंड जैट में अब वो पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा वैसे तो वो होता है उनका बहुत अजीबोगरीब नेगेटिव मार्किंग होता है शायद तुमको पता होगा उनका वही होता है ना कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन लेकिन बहुत कम पेनल्टी था 0.12 होता है क्वेश्चंस वैसे भी कम होते हैं 75 क्वेश्चन मान ले तूने 25 की ठीक है बचे तेरे 50 तो तेरे अगर 50 बचे वो तूने नहीं किए 0.12 के हिसाब से तेरा जाए लेकिन वो भी सारे क्वेश्चंस का नहीं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही था यानी ज्यादा से ज्यादा तेरा पेनल्टी एक या दो मार्क बट नेगेटिव ज्यादा है तो उससे अच्छा पेनल्टी एक्सेप्ट कर ठीक है कोई और स्पेसिफिक कुछ क्वेरी है किसी को ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेरी है एंड वी विल क्लोज दिस सेशन ओके ठीक है चलो देन कुछ रहा तो मुझे कॉल कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज करो ठीक है बाय बाय ऑल द बेस्ट